ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाले ना, ब्लूटूथ निकालो। गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ राजेश सर हियर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स अकेडमी। अगर सारे लोगों को ऑडियो क्लियर आ रही है तो एक बार सारे कमेंट कर दो, ऑडियो क्लियर है कि नहीं, है ना, जल्दी से कमेंट कर दो ऑडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद आज का लाइव सेशन शुरू करेंगे। जी हाँ, टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू होगी। दो मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से देख लो ऑडियो, सारे देख लो। गुड इवनिंग श्रुति, गुड इवनिंग स्नेहा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो तो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर है, चैप्टर है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, यस गुड इवनिंग, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम लोग जनरली वो सारे चीज़ पढ़ेंगे जिसमें कंडक्टिविटी, मटेरियल, सब्सटेंस, ये सारे चीज़ का यूज़ है। इसका मेनली यूज़ हम लोग करेंगे लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। तो बेसिकली यही चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग को कंसेप्ट ऑफ हीट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हीट। तो वही हम लोग को सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ हीट पढ़नी है कि कंसेप्ट ऑफ हीट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, यानी ताप ऊर्जा क्या होता है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो जिस प्रकार लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक उसी प्रकार हीट भी एनर्जी का एक रूप है जो हम लोग को सेंसेशन यानी महसूस करवाता है हॉटनेस का या तो कोल्डनेस का। तो दैट फॉर इट कैन बी रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हैटनेस और हॉटनेस और कोल्डनेस टू अस। अब इसकी बहुत सारी थ्योरी है। तो सबसे पहली थ्योरी क्या है, कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट। तो कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट के अनुसार हीट को एक इनविजिबल मतलब अदृश्य, हीट को देखा नहीं जा सकता, वेटलेस, इसका कोई मास नहीं होता है, और ऑर्डरलेस फ्लूड कहा गया। तो बस आपको यही याद रखना है, सबसे पहले एक दो लाइन का हीट का डेफिनेशन याद रखना है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस टू अस। उसके बाद आपको दो थ्योरी की दो दो लाइन याद रखनी है। पहली है कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट। कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट में क्या बताया गया है कि हीट एक इनविजिबल वेटलेस मतलब ये इनविजिबल होता है, वेटलेस होता है और ऑर्डरलेस फ्लूड होता है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट में क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो सारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और कोई भी सब्सटेंस जब मॉलिक्यूल से बने हुए तो वो तीन प्रकार का मोशन करते हैं, मतलब
एवरी स्टेट ऑफ सब्सटेंस पोजेसेस थ्री टाइप ऑफ मोशन. कौन कौन से तीन प्रकार के मोशन? तो सबसे पहला ट्रांसलेटरी मोशन, फिर वाइब्रेटरी मोशन और फिर रोटेटरी मोशन. तीनों को हम लोग समझते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी चीज़ जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसी को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. वाइब्रेटरी मोशन जो आप लोग SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि किसी मीन पोजीशन के अबाउट कभी आगे जाएगा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. रोटेटरी मोशन जो कि आपने रोटेशन मोशन में पढ़ा है कि किसी रोटेशन एक्सिस के अबाउट जो गोल गोल कोई भी चीज़ घूमता है, इसी को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डायनेमिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, जो सॉलिड्स होते हैं, कोई भी सॉलिड्स या कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस, वो तीन प्रकार करके मोशन करते हैं. कौन कौन? सबसे पहला ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ आपको लिखा हुआ है. दूसरा वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक बार आगे और एक बार पीछे अबाउट अ मेन पोजिशन. तीसरा होता है रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन का मतलब हुआ है कि किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमना. ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, ये सारे ध्यान देना, पढ़ने वाली क्या क्या बातें हैं इनमें. तो यहाँ तक मैं आपको पढ़ना क्या है या याद किसको करना है, कंसेप्ट ऑफ हीट का ये दो लाइन का डेफिनेशन, दो थ्योरी, कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ लाइट में बस यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइट में ये तीनों यहाँ से पूरा यहाँ तक, है ना. जो मैं टिक करते जा रहा हूँ वही चीज़ आपको कॉपी में भी लिखनी है, क्योंकि ये चीज़ मैं कॉपी में आज नहीं लिख पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. तो ये आपको खुद से कॉपी में आज लिखनी है, इसके बाद मैं नोट्स बना करके ही डायरेक्ट डाल दूंगा, उसी से पढ़ाऊंगा. ठीक है, अभी तक सारे को समझ में आ गया? जल्दी से यहाँ तक सारे को समझ में आ गया? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हीट, कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट क्या होती है, और सारे ये भी बता दो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है. हाँ, ब्लूटूथ डिवाइस है ना इसलिए. गुड इवनिंग, सारे को क्लियर है? ऑडियो क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही होगी. स्मार्ट लग रहे सर. अरे वाह, थैंक यू. स्मार्ट तो मैं शुरू से ही हूँ. बच्चे बोल रहे हैं स्मार्ट लग रहे हैं. स्मार्ट तो मैं शुरू से है कि नहीं? चलो, हो गया मिलन, हो गया ना. चलो आप पढ़ते हैं. ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. यूनिट ऑफ हीट. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलो पूजा जी, सारे कुछ. यूनिट ऑफ हीट में देखते हैं सबसे पहले कि हीट का क्या क्या यूनिट होता है. CGS यूनिट क्या होता है, उसके बाद आपका SI यूनिट क्या होता है. तो CGS यूनिट देखो, द CGS यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, मतलब हीट का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला जो यूनिट होता है, SI यूनिट नहीं, CGS यूनिट, वो कैलोरी होता है. और SI यूनिट हीट होता है जूल, है ना. तो आपको ये बस याद रखनी है कि CGS यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, डिनोटेड बाई CAL छोटा. इसको भी आप कॉपी में लिख लोगे. उसके बाद है SI यूनिट. तो SI यूनिट हीट का होता है जूल, जिसको डिनोट करते हैं J से. और ये आपको याद रखनी है कि एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है. ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. उसके बाद आपको ये देखो, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आएगा भी तो 2 मार्क्स का ये डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है. डेरिवेशन का नाम क्या है? जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? बोलेगा स्टेट जूल्स लो ऑफ इक्विवेलेंट हीट बिटवीन वर्क एंड हीट. मतलब जूल जो कि एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर ही SI यूनिट ऑफ वर्क रखा गया है ना, जूल,
तो जूल्स का क्या लॉ था, इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट। तो जूल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया कि वर्क और हीट, काम और ताप, दोनों में बहुत एक पुराना रिश्ता है। क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, कि जो भी वर्क डन करते हैं वो हीट में चला जाता है, ठीक है। तो वही रिश्ता को अब बताएगा। पबजी गेमर हाय, अरे हु इज पबजी गेमर। तो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जूल इस्टेब्लिश दैट अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड। तो जूल ने एक रिलेशनशिप निकाला किसके किसके बीच में, वर्क डन के बीच में। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम जा रहे हैं, चलो ठीक है। वर्क को और हीट में रिलेशनशिप को बताया गया है एक लॉ के द्वारा, और उस लॉ को जूल्स लॉ कहा गया। उन्होंने क्या बताया, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया आपको, देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, तो हम लोग जूल्स जो लॉ था, तो जूल्स का लॉ को पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि वेन एवर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क, वेन एवर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो उन्होंने यही बोला है जूल्स ने, कि जब भी डब्ल्यू वर्क किया जाएगा किसी भी सिस्टम में, तो वो वर्क जो है वो चेंज हो जाएगा हीट में, और हीट को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसे यही पता चला कि जितना वर्क डन करेंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, देयर फोर वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितना भी वर्क डन करेंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, देयर फोर वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, जे क्यू आ जाएगा। तो जे जे कॉन्स्टेंट है, फिर से समझो, फिर से। अरे कौन है यार, हाँ फिर से समझो, ये वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये जो लॉ है वो जूल्स का है, इसलिए वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे क्यू, जहाँ पर जे एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग जूल्स कांस्टेंट कहते हैं। तो यहीं से अगर जे का वैल्यू मेरे को निकालना रहा, तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू जे। दिस इज नॉन एज, इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड बताया गया कि अगर जे का वैल्यू, सपोज दैट अगर जे का वैल्यू डब्ल्यू बटा क्यू हो जाए, तो अगर क्यू का वैल्यू वन हो गया, तो क्यू का वैल्यू वन हो गया, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा क्यू के जगह वन, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू। इसी लॉ को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हीट कहते हैं। और एक चीज़ इसमें यही याद रखनी है कि जूल इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एक जूल में 4.186 कैलोरी, यानी वन जूल इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी होता है ना। तो ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, जूल इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कन्वर्सन फैक्टर है, बस ये काम करनी है। तो देखो काम का यहाँ पर क्या है, आप इसमें क्या याद कर लेना, आपने जूल्स लॉ का बस एक छोटा सा 2 मार्क्स का डेफिनेशन याद रखना है। क्या याद रखना है, आपने लिखना है अपने नोट्स में, टॉपिक लिख देना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उन्होंने वहाँ पर लिख देना ही शोड डेट, उन्होंने दिखाया, वेन एवर अ गिवेन अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इन टू हीट, ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब ये इतना लिखने के बाद इसका मतलब यही हुआ कि जितना भी हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, वही वर्क डन हीट में चेंज हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी के जगह अगर आप कॉन्स्टेंट डालोगे तो वहाँ पर जे होता है, जहाँ पर जे को जूल्स कॉन्स्टेंट कहा जाता है, और अगर
क्यू का वैल्यू 1 हो गया तो वर्क इज इक्वल टू जूल हो जाता है, बस यही आपको कहने का तरीका है। अब आ गया टेम्परेचर, वहाँ हीट पड़े थे, हीट के बाद आ गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का आपको डेफिनेशन बस याद रखना है यहाँ पर कि टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को बताने का काम है टेम्परेचर का, कि कोई भी बॉडी कितना हॉट है या कोल्ड है ना। तो अब टेम्परेचर भी अलग अलग तरीके से नापा जाता है। तो टेम्परेचर को हम लोग नाप सकते हैं इन डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन एंड इन फ़ारेनहाइट, जो कि हम लोग फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ दूसरा पॉइंट और पॉइंट बना करके लिख लेना इसमें कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। मतलब जिस भी बॉडी का जितना ज़्यादा मोशन होगा, मान लो ये एक चैम्बर ले लिया है ना गैस का, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, अगर तुम इसको हीट कर दे रहे हो तो इसके पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो इससे पता चला कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वही यहाँ समझाने का बात कर रहा है। ये आपके 3 मार्क्स में आते हैं कि गिव सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के बीच में 3 डिफरेंस का पॉइंट बताएं। तो ये हम लोग को मेन पढ़नी है। ओके, ये नेट इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान देना, हीट का सबसे पहला पॉइंट जो बच्चे को याद रखना चाहिए कि हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है, JOULE, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, KELVIN। उसके बाद दोनों का डेफिनेशन, हीट का क्या डेफिनेशन आएगा, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और यहाँ पर डिग्री वर्ड यूज होगा, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। तीसरा पॉइंट तुम लोग क्या लिखोगे, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर में क्या लिखोगे, टू टेम्परेचर डिसाइड्स द फ्लो ऑफ हीट। अब देखो, हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है और टेम्परेचर का केल्विन होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। हीट और टेम्परेचर का डेफिनेशन भी डाल देना। थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मतलब मान लो कि ये कोई बॉडी है और ये बॉडी का 2 पॉइंट ले लिया तुमने, एक ये ए पॉइंट ले लिया और एक ये बी पॉइंट ले लिया। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और जो बी पॉइंट है उसका सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर यानी जो हीट है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर तो फ्लो नहीं करता, तो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हीट किधर फ्लो करेगा। तो वही वर्ड लिखा हुआ है कि टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यही 3 आपको पॉइंट्स लिखना है। उसके बाद आपने कॉपी में नोट करनी है थर्मोमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोमेट्री, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसी को थर्मोमेट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। थर्मोमीटर किसको बोलेंगे, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नॉन एज थर्मोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या होता है, मैंने किस सिद्धांत पर थर्मोमीटर काम करता है। तो थर्मोमीटर जो है वो एक लिक्विड का यूज होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। थर्मोमीटर का मेन प्रिंसिपल है कि थर्मोमीटर जो होता है उसमें हम लोग एक लिक्विड यूज करते हैं, और वो लिक्विड का नाम होता है मरकरी, MERCURY, है ना। अब थर्मोमीटर का टाइप्स नहीं पढ़ना है, ये सारे चीज़ नहीं पढ़ने हैं और ना लिखने हैं, क्योंकि ये सिलेबस में आपका नहीं है। व्हाट आर द 2 फिक्स पॉइंट भी सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये आपको पढ़ने हैं थर्मोडाइनमिक्स स्केल या थर्मोमेट्रिक स्केल, कि थर्मोमीटर से जो हम लोग टेम्परेचर नापते वो 3 स्केल पे नापते, एक सेल्सियस स्केल में, एक फ़ारेनहाइट का स्केल में, तीसरा
रूमर के स्केल में, और चौथा केल्विन के स्केल। तो चारों चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूमर स्केल उतना नहीं पूछा जाता, बट सेल्सियस स्केल, फेरनहाइट स्केल और केल्विन स्केल तीनों पूछा जाता है। सेल्सियस में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे हाईएस्ट जनरली, मतलब ये हो गया तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। फेरनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है 32 और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 212। रूमर स्केल में 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 80 डिग्री। अच्छा, और केल्विन में आपका 273 होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। तो मैं एक चार्ट बना करके समझा दे रहा हूँ, है ना। देखो होता क्या, इधर हम लोग ले लिया डिग्री सेल्सियस, इधर ले लिया फेरनहाइट, इधर ले लिया केल्विन K4 और इधर ले लिया R4 रूमर। एक तरफ FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और एक तरफ BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट माने जमना, बर्फ जमना, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। अच्छा, फेरनहाइट में यही चीज़ 32 पे होता है, केल्विन में यही चीज़ 273 पे होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, और रूमर में यही चीज़ 0 रूमर पे होता है। बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में क्या होता है जी, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फेरनहाइट जब हम लोग करते हैं तो उसमें 212 आता है, मतलब 212 डिग्री फेरनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में 212 फेरनहाइट होते हैं। और केल्विन में 0 में अगर 273 होता तो 100 में कितने होंगे, 373 होंगे, और रूमर 0 के जगह यहाँ पर 80 हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर सेल्सियस में नापे तो 100, फेरनहाइट में नापे तो 212, केल्विन में नापे 373 और रूमर में नापे तो 80। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, है ना। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि टेम्परेचर का डेफिनेशन क्लियर है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। उसके बाद काइनेटिक इनर्जी का ये मेजरमेंट करता है टेम्परेचर, ये क्लियर होगा, और हीट और टेम्परेचर में तीनों डिफरेंस सारे को क्लियर है, और ये तीनों स्केल कि तीनों में क्या क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाक से। एनीवन हैज डाउट? चलो सारे, वेयर इज उज्ज्वल? उज्ज्वल कहाँ है? पूजा, पूजा आपको क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके स्लाइड पढ़ते हैं। अच्छा, ज्यादा लाउड बोल रहा है क्या? चलो ब्लूटूथ ऐसा पता नहीं चल रहा था, लग रहा ज्यादा लाउड बोल रहे थे ना, लाउड ज्यादा बोल रहे थे क्या? हाँ ना, ठीक था। चलो ठीक था। ओहो चलो ठीक है, लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन ये आते हैं आपके, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो एंड द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं और टेम्परेचर में एब्सोल्यूट जीरो का वैल्यू क्या होता है? तो देखो, चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा था ना स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। दैट टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो, शुद्ध हिंदी में वह तापमान जिसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, मतलब वो अब जगह नहीं लेता है, इतना ज़्यादा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कि उसका साइज एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, है ना। ये वाले रिलेशन याद रखना कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस इंटू वन प्लस टी टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 273.15। अब ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है जो टी टेम्परेचर पे आप लोग निकाल सकते हो। हमने पढ़ा कि
अब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस में किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो जाता है जीरो। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 500 केल्विन में कितना होगा, 600 केल्विन में कितना होगा, 1000 केल्विन में कितना होगा, तो वहाँ पर आप ये टी के जगह टेम्परेचर का वैल्यू पुट कर दो तो आपको निकल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला है किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालने का एट टी टेम्परेचर, जिसको वी टी से डिनोट किया जा रहा है। तो वी टी इज इक्वल टू वी नोट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273.15। ठीक है, बहुत अच्छे। ग्राफ अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वुड बी द ग्राफ, तो आप क्या करो, एक तरफ वॉल्यूम ले लो और एक तरफ टेम्परेचर ले लो। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ आया था वो ऊपर से आया था, और ये जो पॉइंट आता है, मतलब इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आई थी माइनस ऑफ 273 डिग्री सेल्सियस, जिसको जीरो केल्विन कहा गया था। ठीक है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में कि व्हाट इज मीन्ट बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और क्या एडवांटेज है टेकिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच जो वाटर है वो अपने तीनों स्टेट में पाए जाए, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसियस भी, इसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। यानी वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वाटर इज प्रेजेंट इन आइदर थ्री फॉर्म, सॉलिड में भी पाई जाएंगी, लिक्विड में भी और गैस में भी, उसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है 273.16 केल्विन। यही आपका ट्रिपल पॉइंट, तो बस इतना ही लिखना है। तो ये आप डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे और इसका वैल्यू लिख दोगे 273.16 केल्विन, और इसमें कुछ काम की है चीज़ नहीं है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इट हैज़ बीन हटा दिया गया है ये आपके सिलेबस से, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट जो पढ़नी है वो है थर्मल एक्सपेंशन, जो कि ये डेरिवेशन है, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सिंपल सा, छोटा सा डेरिवेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट, और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ बॉडी क्या होता है और ये कितने प्रकार के होता है। तो हमने पढ़ा है कि कभी भी किसी बॉडी को हीट करने पे उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, यानी चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, कोई भी बॉडी हो, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। तो देखो थर्मल एक्सपेंशन किसे कहेंगे, किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस का साइज का इंक्रीज करना। सर 5G चलता है ऐसा वहाँ का, बच्चे बोल रहे हैं सही चल रहा है मेरा तो, आपका तो सही चल रहा है, यहाँ सही नहीं चल रहा। ये वाले नहीं, इसको ऐसे हाफ मोड में ना, सर नेट स्लो चल रहा है। देखो मैंने खुद एक पोस्ट किया भी आएगी, सर नेट स्लो चल रहा है, धीरे से, बड़ा लेट से दिखाता है ना। तो नहीं, चलेगा चलेगा। हाँ देखो जी आ गया नेट,
व्हाट इज मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, समझ ही गए होंगे, हीट करो उसका साइज बढ़ेगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तीन प्रकार के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी को अगर हीट करने पे सिर्फ उसका लेंथ यानी लंबाई चेंज हो रहा है तो उसको लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे, ये रॉड में होता है, मेटल का रॉड में। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, अगर किसी चीज़ को हीट करने पे उसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है तो उसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और अगर किसी चीज़ को हीट करने पे उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसको क्यूबिकल एक्सपेंशन कहेंगे। तो ये तीन प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं। तो यहाँ देखो पिक्चर में ही दिख रहा है, यहाँ रॉड का लेंथ चेंज हुआ है, यहाँ एरिया ही चेंज हुआ है और यहाँ पर वॉल्यूम ही चेंज हुआ है। तो जब सिर्फ लेंथ चेंज हो उसको लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एरिया चेंज हो उसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और जिसमें वॉल्यूम चेंज हो उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सॉलिड को गर्म करने पे वो फैल क्यों जाता है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा आंसर है, सॉलिड जो होता है वो ऐसा रहता है, कोई भी पार्टिकल ऐसा रहता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में ये क्या होता है, गैप होता है, जिसको हम लोग इंटर मॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप आपका हो जाता है बड़ा, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप हो जाएगा बड़ा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएंगे, यानी उनका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि द मॉलिक्यूल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दे हैव अ स्लाइट इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर हीटेड द इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बिकम्स इंक्रीज्ड ड्यू टू विच द साइज ऑफ सॉलिड बिकम्स लार्ज, है ना। तो इतना बड़ा तामझाम में यही लिखा गया, घर में आराम से पढ़ते रहना। अब नेक्स्ट है डिफाइन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो ये आए हुए तुम लोग का ढोरी बोर्ड का आया हुआ है, इसी साल 2018 में ही आया हुआ है, डीएवी ढोरी का, है ना, कि डिफाइन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशियंट, तो जिस प्रकार, बस एक समझ लो बाकी सारे समझ लो, जिस प्रकार लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशियंट होता है ठीक उसी प्रकार आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन का भी कोफिशियंट होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का भी कोफिशियंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशियंट पे। मान लेते हैं कि कोई एक रॉड है एल लेंथ का, दिस इज अ रॉड जिसका लेंथ क्या है एल, हीट करने के बाद इस रॉड की लेंथ जो डेल्टा एल से बढ़ गई, मतलब उसकी जो नई लेंथ हो गई वो हो गई आपकी एलडेस, है ना। तो कितने चेंज हुई, पहले थी एल अब हो गई है एलडेस, तो चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी, एलडेस माइनस एल। तो कितना ज़्यादा चेंज होगा लेंथ ऑफ द रॉड में वो डिपेंड कर जाएगा टेम्परेचर पे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलडेस माइनस एल दैट इज इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी विच इज चेंज इन टेम्परेचर, और इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, मतलब रॉड का लेंथ में जितना ज़्यादा तुम गर्मी दोगे, टेम्परेचर दोगे, उतना ज़्यादा चेंज आएगा, मतलब डेल्टा एल या एल माइनस एलडेस माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और जितना बड़ा रॉड होगा उतना ज़्यादा चेंज होगा। तो एलडेस माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। अब इसको इक्वेशन वन मानो, इसको इक्वेशन टू मानो, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो क्या आएगा, एल एलडेस माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। अब जाहिर से बात है प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद कोफिशियंट यानी कांस्टेंट डालना पड़ता, तो यहाँ कांस्टेंट आया अल्फा, और यहाँ पर अल्फा को कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एल डेस माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो अगर हमको एल डेस निकालना है, लिख देता हूँ रेड से, अगर आपको एल डेस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये जो माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ एनी रॉड एट डेल्टा टी टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर पे रॉड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारे को समझ में आई तो पूछ लो, किसी को दिक्कत है तो जल्दी से, 3 सेकंड भूपेत सर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लो। समझ गया।
पूजा जी बोल रही है एक बार फिर से बताइए। ए पानी ला यार, पानी ला यार। हम नहीं समझे थोड़ा सा। हाँ बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, रुको। देखो अच्छा से समझा रहे, आराम से ठंडे दिमाग से समझ लो। सपोज दैट कोई रॉड है जिसका लेंथ L है, इसको डेल्टा टी टेम्परेचर गर्म करने के बाद इसका जो लंबाई है वो हो गया है L डैश। अबे तो मान लो किसी का लंबाई 10 सेंटीमीटर था, गर्म करने के बाद 15 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना बदलाव हुआ? 5। तो आप 5 कैसे निकाले? फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ किए ना, तो फाइनल लेंथ कितना है एल डेस, इनिशियल लेंथ कितना है एल, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ एल डेस माइनस एल। अब इसी को याद रखना, चेंज इन लेंथ। तो कितना लेंथ में बदलाव आएगा वो डिपेंड करता है दो चीज़ पे, पहला कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हो जिसको डेल्टा टी कहते हैं, और दूसरा ओरिजिनल लंबाई कितना था रॉड का। तो हम लोग इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि एल डेस माइनस एल जो कि चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पर, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा चेंज इन लेंथ डिपेंड कर जाएगा ओरिजिनल लेंथ पर, इक्वेशन नंबर 2। बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने दोनों गुना में चला जाएगा, तो एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इंटू एल हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट डालेंगे और वो कांस्टेंट का नाम हो जाएगा अल्फ़ा। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू L इंटू डेल्टा T, जहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये जो L डैश है इसको यहीं रखो और ये माइनस वाले को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा L प्लस अल्फा L डेल्टा T, दिस इज द डेरिवेशन। हाँ अब बोलो किसको दिक्कत है, यही डेरिवेशन है, L इज इक्वल टू L डैश इज इक्वल टू L प्लस L अल्फा डेल्टा टी। किसी को दिक्कत है अब तो बोलो, ये वाले एक्सप्रेशन, बस ये ऐसा था, ये माइनस वाले को उधर भेज दिया, ये जो माइनस वाले इधर भेज दिया, तो ये ऐसा आ गया, और यहाँ पर अब क्लियर है। हाँ तो यहाँ पर एक चीज़ और पूजा, देखो एल डेस इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है, एल डेस इज इक्वल टू एल कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बस कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वही चीज़ आएगा, एल को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो एल, और एल अल्फा डेल्टा टी है ना। दिस वाज योर फर्स्ट डेरिवेशन। अब सारे को क्लियर है, पूजा को तो क्लियर है, श्रुति कोई डाउट, उज्ज्वल कोई डाउट, स्नेहा कोई डाउट, जल्दी जल्दी बोलो। चलो श्रुति नो डाउट, और कोई, स्नेहा चलो सारे को क्लियर है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है ना। तो यहाँ पर एक और बात चीज बता देता हूँ, अच्छा सुबह जो है 5 बजे, सुबह 5 बजे आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा, उसमें हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ही करेंगे, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका 3-4 और डेरिवेशन कर लेंगे, मतलब वो जो सुबह तक हम लोग इस चैप्टर का हाफ तक में आ जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो कभी भी कर लेंगे, कभी भी क्या कल ही करेंगे, तो कल शाम वाले में उसको डाल देता हूँ, ये लगातार पढ़ोगे ना तो आप लोगों को सही रहेगा। अच्छा नोट्स जो जो मैंने पढ़ाया वो चीज़ को कॉपी में खुद से नोट कर लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा का डेफिनेशन क्या आएगा, तो बच्चों हमारे पास एल डैश इज इक्वल टू एल गुना 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी है, तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ सकता है, तो क्या हो जाएगा एल डैश बटा एल इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टी,
अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, हमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सब सॉल्व उल्व करने के बाद ये आ जाएगा। आई होप मैथमेटिक्स आता है, जोड़ घटाओ इधर उधर भेजने आता है, तो जब कर दोगे ना तो वो अल्फा का वैल्यू वो आ जाएगा। और अगर ये नहीं आएगा कॉपी में करके तो मेरे को कॉल करके फिर से पूछ लेना, है ना, लेकिन एक बार अपने से करना। तो यहाँ से क्या पता चला, अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, एलडेस माइनस एल बटा एल डेल्टा टी, यानी एलडेस माइनस एल क्या था, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ। अच्छा, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, इंक्रीज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी, दैट इज राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद अब पूछा जाएगा कि कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का ऐसा यूनिट क्या होगा। अब देखो, ये लेंथ और ये लेंथ तो कट गया ना, तो बच क्या गया नीचे, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो वन बटा केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर नीचे है तो केल्विन ऊपर जा करके केल्विन इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट केल्विन इन्वर्स, और सी जी एस यूनिट डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? पूजा, यहाँ तक क्लियर है? श्रुति, स्नेहा, नो डाउट? पूजा, स्नेहा, कोई डाउट? हाँ पूजा बोलो, क्या डाउट है? हाँ सर बोल रही हो, डाउट है कि नहीं है, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देती हो। नहीं, कोई डाउट नहीं है। पूजा, आपको कोई डाउट? आया, जल्दी जल्दी कमेंट करो, एक घंटे का हो गया लेक्चर, 39 मिनट का हो गया। चलो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, है ना, गुड बाय, सी यू, ठंडे है अच्छे से। पहले तो यहाँ सबसे पहला काम है, अभी आप लोग यहाँ तक नोट्स बनाइए फटाक से, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैंने वीडियो में ही बता दिया है कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है। तब तक के लिए सावधान रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, सावधान इंडिया।